press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 9 का सब्जेक्ट इंग्लिश का सेट 1 और ये आपके टर्म 2 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये पैसेज दिया हुआ, इससे आपको 5 क्वेश्चन करना है, लेकिन इसमें 7 क्वेश्चन दिए हैं। मैंने सातों का आंसर सॉल्व किया है, तो आप देख लीजिए सातों क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए, व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। तो पीपल थिंक दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट एंड द अदर्स आर नॉट सो गुड एज दे आर। व्हाट डू मेनी इंडियंस इमेजिन। तो मेनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। व्हाट मस्ट वी डू। वी मस्ट टेक गुड वेर एवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड व्हाट वेर एवर इट मे बी। व्हाट डज अ मैन पजेस। अ मैन पजेस सम गुड्स एंड बैड क्वालिटीज। चूज द एंटोनिम्स ऑफ वर्स एंड फ्यू फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो वर्स का मतलब आपका गुड होता है, एंटोनिम्स पूछा है इसका, फ्यू का मतलब मैं नहीं होता, ठीक है। मेक सेंटेंस विद द गिवन वर्ड। तो प्राउड का मतलब आई प्राउड टू बी एन इंडियन। दूसरा देखिए कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो कंट्री लिख सकते हैं इसका। देखिए उसके बाद सेक्शन बी पे आते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड द कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। देखिए हेड मास्टर को लेटर लिखना है जिसमें उसको रिक्वेस्ट करना है कि प्रोवाइड करे आपको कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी आपके स्कूल में, ठीक। तो टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम अभिनव पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली, 31 मई, जिस दिन का डेट 2022। सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर कंप्यूटर फैसिलिटी। तो सर आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट वी डू नॉट हैव द प्रॉपर कंप्यूटर फैसिलिटी इन आवर स्कूल। बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट गेनिंग नॉलेज एज दिस कंप्यूटर हैव ओल्ड वर्जन। बिकॉज ऑफ दिस वी कैन नॉट डू एफिशियंट ट्रेनिंग एंड मेनी स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू कॉप विद द डेवलपमेंट दे हैव टू परस्यू इन द फ्यूचर। देयर शुड बी ट्रेन पर्सनल रिक्वायर्ड इन लैब्स एंड कंप्यूटर आर नाउ अडेज एन इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक एबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सब फॉर द स्टूडेंट। तो योर्स ओबीडियंटली अनुराग। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन विद यू। तो आपको एक लेटर लिखना अपने फ्रेंड को जिसमें वो आपका गर्मियों का छुट्टी आपके साथ मिला, मतलब आपके साथ बिताए, ठीक है। तो उसका एड्रेस लिख दें, एग्जामिनेशन हॉल पालिका रोड दिल्ली 17 मई 2017। डेट एड्रेस है ये और उसके बाद डेट है आपका। डियर मोहन, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट योर स्कूल हैज़ क्लोज फॉर द समर वैकेशन एंड आवर समर वैकेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। आई थिंक यू आर द सेम कंडीशन, सो आई हैव रिटन दिस लेटर टू इनवाइट यू टू स्पेंड योर वैकेशन विद मी इन शिमला। लेट अस एंजॉय दिस वैकेशन टुगेदर। सो कम अप विदाउट एनी डिले। देयर वी will bath, swim and fish in the river boat. I assure you that this will be an enjoyable experience for you. I think you will over my request. I am waiting for you. Give my wishes to your parents. Your lovely friend Pankaj Soni. ठीक है, फिर देखिए, write a paragraph on the importance of time or value of trees. तो पहले paragraph लिखना है, या तो आप importance of time पे लिखें या तो value of trees पे लिखें। तो पहले हम importance of time देख लेते हैं। देखिए, the value of time applies to every aspect of our life. In knowing the value of time, we understand the importance of our work. The value of time makes us realize what happens if we do not value it. Not valuing time can have distrust or consequences. Understanding the value of time creates a path for success. Time once lost can never be recovered and is hence termed to be precious. Understanding the value of time requires one to respect. Respecting timeless is a crucial for success in life. The value of time is most prominent in the way in which it affects us. Age is one way in which time affects us. देखिए importance of time हो गया। अब value of trees देख लेते हैं। Trees are our lifeline. We cannot live anywhere on the earth without. Mainly we get food from plant kingdom as well as household furniture, medicine, herbs and even oxygen. Trees are not only useful for making mankind but also useful for animals. They absorb carbon dioxide from environment, gives fresh oxygen that helps to make environment pollution free. Trees prevent soil erosion, drought and flood. Man has cut down trees in large number and he is cutting from more and more trees. Man must stop cutting more trees, otherwise he will suffer greatly. आगे देखते हैं। Section C पे आते हैं। Attempt any 5 question number 1, number 11 and 12 are compulsory. मतलब ये दोनों को करना ही करना compulsory. तो पहले 11 देखा, read the given stanza and answer the question that.
स्ट्रेंजर आपका देख लीजिए, ये आपका इट इज अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल्थ और फायर एंड दस आउटरेज इन द यूनिवर्सन ऑफ यर दैट इज एवरीवेयर आवर। तो क्वेश्चन है आपका, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो नो मैन आर फॉरेन चलिया गया, हु हैज रिटन दिस लाइन, तो कौन लिखा, जेम्स क्रिकअप। चूज अ वर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर विच मीन्स पॉल्यूट, तो इसका आंसर क्या है, डिफाइल। फिर अब देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन द फ्लो एंड द आंसर द क्वेश्चन देख लो, मतलब आपका ये दिया हुआ है, पैसेज टाइप का है ये आपका, ऐसा आपको क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन, तो अब्दुल खान, अब्दुल कलाम होगा स्पीकर। हु डिड नॉट हैव अ फॉर्मल एजुकेशन, तो कलाम फादर जलालुद्दीन। चूज अ वर्ड विच मीन्स इन बॉर्न इन द गिवन पैसेज, तो इनेट होगा, ठीक है। कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, व्हाई नॉट, तो नो अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ डज नॉट हैव अ एबिलिटी टू किल द ट्री, मतलब एक नाइफ से आप ट्री को काटने का एबिलिटी नहीं रखते। इट हैज नॉट, इट हैज टू ग्रो थ्रू वेरियस प्रोसेस, इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द अर्थ इट विल स्प्राउट अगेन, मतलब अगर उसको जड़ से नहीं खत्म किया जाए तो वो फिर से निकल आए, ठीक है। व्हाट डिड द सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन, तो सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ अ केक, द लेडी बिहेव मिजरली एंड कीप डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक, एट लास्ट शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू इट, वो उससे केक मांगा था, लास्ट में वो उसका साइज बार बार छोटा करते जा रही थी, लास्ट में वो एक जब केक का एक जरा सा भी टुकड़ा उसको नहीं दिया था, ठीक है। व्हाट वेयर द थिंग ब्रूनो यूज टू हैव हिज फूड लिस्ट, तो व्हाट वेयर द थिंग ब्रूनो यूज टू हैव अ फूड लिस्ट, ये देखिए दोबारा से एक क्वेश्चन कहीं आ गया है, तो ये वाला लाइन आप काट दीजिएगा, ये वाला लाइन नहीं है, आपका आंसर यहाँ से कि ब्रूनो स्टार्टेड हैविंग एवरीथिंग एज हिज फूड लाइक वेजिटेबल फ्रूट नट्स मीट करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ अ कंडीमिनेंस एंड चिलीज ब्रेड एग चॉकलेट स्वीट एंड पुडिंग आइसक्रीम एक्सेट्रा, ये सब ब्रूनो खाता था, ठीक। आगे चलते हम लोग, हु वेयर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड, व्हाट डिड दे लेटर बिकम, रामानाधा शास्त्री अरविंदम एंड शिव प्रकाशन वेयर हिज स्कूल फ्रेंड, एंड रामानाधा शास्त्री बिकम अ प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल एंड अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ द ऑफ अरेंजिंग अ ट्रांसफर फॉर विजिटिंग पिलग्रिम एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। आगे चलते हैं, वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलेंट्री रेसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्फेंस एंड विडोज, तो प्रशांत एंड द अदर वॉलेंट्री रेसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेन एंड विडोज, बिकॉज वीरो मतलब आपका विधवा लोगों के लिए होता है, ठीक है ना, बिकॉज दे फेल दैट इन सच इंस्टीट्यूट दैट द इंस्टीट्यूट द चिल्ड्रेन वुड ग्रो अप विदाउट फैमिली लव एंड द विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। आगे चलते हैं, अटेम एनीवन, ठीक है, इसमें से एक ही क्वेश्चन करना है, 18-19 दो क्वेश्चन है जिसमें से एक ही करना है। हु वाज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग इज अ मर्चेंट बिकॉज ऑल्सो हिज ओल्ड फादर वॉज द रियल मदर ही वॉज अ dead and some had to punishment in his place, he escaped the punishment because he is too thin and to be properly executed on the stake. What was the Bahman's dream, how did it come through, to Bahman was a 60-year-old painter, he has a dream of creating a masterpiece, it does not come through when he paints a leaf such that it looks extremely natural, he painted the last leaf on a creeper that helped save जॉनसिस लाइफ। तो आपका ये 19-19 क्वेश्चन था, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, धन्यवाद।